सिंह द्वारा चार साहिबजादों की कुर्बानी को याद करते हुए धार्मिक समागम का आयोजन किया गया और कीर्तन दरबार सजाए गए। इस मौके पर संगत के लिए विशेष तौर पर लंगर भी लगाए गए। ये साढ़े ग्रीन फील्ड यूथ विंग की जी टीम है ये हर साल ये उपराला करते हैं और ये बहुत वड्डी गल है जिन्हों सा जनरेशन एक भुलती जा रही एक यहजी कुरबानी जी गुरु साहब ने दी अपना सारे का सारा सरपंच वारिया तो कितना कितने असं भुल जाने तो मैनू बड़ी खुशी है साड़ी ये यूथ नवी जनरेशन इनू याद रख रही है और एक एग्जाम्पल बन के सारे समाज के मूहरे आई है भी ये जो इन्होंने अपने गुरु साहब के बच्चों की कुरबानी को याद करने का उपराला किया है इनू सारे ही फॉलो कर। ग्रीनफील्ड यूथ विंग टीम आशू वालों ये पिछले काफ़ी सालों तो शहीदी दिहाड़ा मनाया जाता है चार साहबजादियों की याद के एक बहुत अच्छा उपराला हैगा आ बच्चों धर्म के नाल जोड़न लिए अच्छी शिक्षावान देने तो मैं इन्होंने सारिया का बहुत ही धन्यवाद करती हैगी कि यह समाज के एक अच्छा संदेश दे रहे हैं और एक खालसा पंथ वालों प्रदर्शनी भी लगाई गई है साढ़े धर्म के नाल रिलेटिड जी भी चीज़ा है इतने दिखाई गई उस याद कुरबानी लसानी शहादत जी अज तक एक मिसाल बन के रहेगी जब पूरा परिवार खत्म होया उस धर्म वास्ते हिंदू धर्म बचाने वास्ते तो देश वास्ते होया असी उपराला कर रहे हैं चार साल तो यह फोर्थ ईयर है साडा असी लोगों यही सोच ले आ रहे हैं कि इस महीनों उन्होंने याद करिए जिन्होंने साडे देश वास्ते ते साडी कौम वास्ते कुछ किया साडी सोच यही है अज सुखनी साहब पाठ तो बाद कीर्तन विरागमई कीर्तन हुए ने उन्होंने याद किया उन्होंने अगे श्रद्धांजलि दी है उन्होंने तो सारा पूरा ग्रीनफील्ड यूथ विंग टीम आशू इलाका निवासी सारे महल्ले साढ़े नाल। Thank you.